यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुसने लगा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कवायद तेज कर दी गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्थिति को देखते हुए सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर के पास आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों को छोड़कर अन्य भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल बाढ़ जैसे हालात को लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से आने वाली बसों का सफर सिंघू बॉर्डर पर समाप्त हो जाएगा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद रविवार तक सभी स्कूलों को भी दिल्ली में बंद कर दिया गया है। वहीं सरकारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने DDMA की बैठक की, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रविवार तक बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी निजी कार्यालयों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल दिया गया है। एडवाइजरी जारी की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की राशनिंग करनी होगी, क्योंकि 3 जल उपचार संयंत्र बंद हैं और लोगों को 1 या 2 दिन के लिए जल संकट का सामना करना पड़ेगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राहत शिविरों में शौचालय और बाथरूम की समस्या थी, इसलिए शिविरों को स्कूलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से गुरुवार को कश्मीरी गेट समेत लाल किला में पानी घुस गया। वहीं राजघाट की सड़कें भी डूबी हुई नजर आई। दिल्ली सचिवालय तक में पानी भर गया, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रिमंडल के लोग बैठते हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार उन्हें दिल्ली सचिवालय में पानी भरने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि वो स्थिति को लेकर यातायात पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।